हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल क्लासेस में। और आज अपन बात कर रहे हैं ट्रस की। और ट्रसेस के अंदर अपन के जो दो मेथड होते हैं, आपका जॉइंट मेथड या फिर आपका सेक्शन मेथड। अपन पहले जॉइंट मेथड के ऊपर एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और फिर जो जो टफ प्रॉब्लम्स होंगी आपके जॉइंट मेथड से या फिर आपके सेक्शन मेथड से, अपन उस उन सभी की बात करेंगे आपके सामने। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहले जॉइंट मेथड की। तो जॉइंट मेथड में सबसे पहले हमको यहाँ पे तीन चीजें देखनी पड़ेंगी कि सबसे पहले जो आपके पास पॉइंट है, मतलब जो जितने भी जॉइंट्स हैं यहाँ पे ए बी सी डी और ई, जैसे कि आपके यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, आपके 1 2 3 4 5 5 पॉइंट्स दिए हैं। तो आपको उन पॉइंट्स में सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि सबसे पहले आपने पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद आपको सेकंड चीज आइडेंटिफाई करनी है कि आपके जो आपके मेंबर हैं उसमें आपके जो अननोन मेंबर हो वो कितने होने चाहिए। आपके दो ही अननोन मेंबर होने चाहिए। और थर्ड, अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते कि दो अननोन मेंबर हैं तो आप उस मेंबर को पिकअप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मैं अगर फर्स्ट वाले मेंबर को देखूँ तो यहाँ पे मेरा ये नोन हो जाएगा क्योंकि मैं इसको आइडेंटिफाई कर लूंगा, और ये भी मेरा नोन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका नोन हो जाएगा, ये अननोन हो जाएगा, ये आपका नोन होगा, ये अननोन होगा। तो ए पॉइंट के लिए, ए नोड के लिए आपका जो मेंबर ए बी और ए सी जो भी है, ए ई है, वो आपका अननोन हो जाएगा। डी नोड के लिए आपका सी डी और आपका जो डी ई मेंबर है वो आपका अननोन है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपन को यहाँ पे आइडेंटिफाई क्या करना है आपके जो मेंबर्स हैं उनको। और यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, बिल्कुल नोट करके लिखना है कि अगर कोई भी आप मेंबर ले रहे हो तो आपको उसकी डायरेक्शन कहाँ पर रखनी है, आपके नोड से बाहर की तरफ ही रखनी है। अगर वो जब अपन सॉल्यूशन करेंगे अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो अपन उसको टेंसाइल बोल देंगे, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको अपन कंप्रेसिव बोल देंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन नोड ए की। तो सबसे पहले मैंने बात कर ली नोड ए की। तो नोड ए पे आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ मेंबर इस तरीके से लगा हुआ, एक ऊपर है वो तो आपको लगा नहीं पड़ेगा, दैट्स अ रिएक्शन। एक आपको कुछ इस तरीके से लगा है, एक आपको इस तरीके से लगा है। इन दोनों के बीच का एंगल 60 दिया है। यहाँ पे आपका एफ ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे आपका एफ ए ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर यहाँ पे मुझे ये नहीं आइडेंटिफाई है कि ये आपका आर ए की वैल्यू कितनी है और आर डी की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे मैं निकालना पड़ेगा मेरे को। तो मैं यहाँ पे साइड में निकाल लेता हूँ, जैसे कि आपको आता भी होगा तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ साइड में। देख लीजिए कि आर ए प्लस के आर डी इज इक्वल कितना होगा आपका, 2 प्लस के 6। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आप मूवमेंट कहीं पे भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँगी यहाँ पे मूवमेंट की, तो मैं ए पॉइंट पर मूवमेंट ले लेता हूँ। तो आपके पास क्या आएगा कि आर डी इंटू 6, और यहाँ पे देखिए इसके लिए ये मिड में आएगा और ये भी आपका मिड में होगा। इसके बाद यहाँ से क्या होगा, देखिए आपका 6 तो ये आपका 3 हो गया, ये 1.5 हो गया, तो आपका होगा 4 इंटू 1.5 और प्लस के 2 इंटू, और यहाँ पे कितना है 4 इंटू 4.5, क्योंकि 3 यहाँ से यहाँ तक और 1.5 यहाँ पे, 4.5 और 2 इंटू 1.5। तो यहाँ से अपन आर डी की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट से। तो देख लीजिए गाइज कि 4 इंटू 4.5 प्लस के 2 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना आ गया आपके पास, 3 आ गई। आर डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3.5, और आर ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2.5। तो यहाँ पे अपन नोट डाउन कर लेंगे कि आपकी आर ए की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 2.5, और आर डी की वैल्यू कितनी आई आपकी, 3.5। तो यहाँ पे वैल्यू लिख लीजिए आपके 2.5 किलो न्यूटन। तो अब आपको क्या करना है कि जब आपने ये चीज बना ली है तो आप इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स और वाई पे, कि आर ए की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो कितना है आपका, 2.5 ऊपर की तरफ है। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन कितनी है आपकी, एफ ए ई, और यहाँ पे ये कितना है आपका, 60 डिग्री पर, एफ ए बी एट 60 डिग्री। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, इसके कंपोनेंट आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा आपका, एफ ए बी कॉस 60 डिग्री, और इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा आपका, एफ ए बी साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपको क्या करना है सबसे पहले, क्योंकि ये आपकी कॉन्करेंट फोर्सेस है एक पॉइंट पे लग रहे हैं, तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल 0। समेशन एफ एक्स इज इक्वल 0 आप जैसे ही करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि एफ ए बी कॉस 60 प्लस के एफ ए इज इक्वल 0। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसको कुछ भी दे दीजिए, तो ये मेरी 1 हो गई। इसके बाद समेशन एफ बाई इज इक्वल 0, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, समेशन एफ बाई इज इक्वल 0 कि एफ ए बी साइन 60 प्लस के 2.5 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको एफ ए बी साइन 60 प्लस
इज इक्वल माइनस के 2.5, तो एफ ए बी इज इक्वल माइनस के 2.5 ओवर साइन 60। तो देख लीजिए के 2.5 डिवाइडेड बाई साइन 60, तो कितने आ गए आपकी बेस्ट वैल्यू। अभी देखिए ये दिखा रहा है, सॉरी 2.5 डिवाइडेड बाई साइन, अच्छा वो रेडियन में है, सॉरी यहाँ पे रेडियन में, तो इसको पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो अब लिख लेते हैं 2.5 डिवाइडेड बाई साइन 60 कितना है आपके पास, माइनस के 2.88, और जो भी किलो न्यूटन में तो किलो न्यूटन। अब यहाँ पे जो इसका माइनस साइन शो कर रहा है वो इसको शो कर रहा है कि 2.88 किलो न्यूटन जो है आपका, वो है आपका कंप्रेसिव में। लास्ट में अपन एक टेबल बनाएंगे, उसमें रखेंगे इसकी वैल्यू को, आपको इस वाले क्वेश्चन में रखना है। तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल जीरो आपकी वैल्यू निकली थी, एफ ए बी कॉस 60 डिग्री इज इक्वल माइनस के एफ ए ई, तो इसकी वैल्यू माइनस में, तो माइनस में रखेंगे माइनस के 2.88 cos 60 डिग्री इज इक्वल माइनस के एफ ए ई, तो माइनस टू माइनस कैंसिल आउट, कितना आया इंटू कॉस 60, कितना आ गया 1.44। तो एफ ए ई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1.44 किलो न्यूटन। तो अब देखिए ये आपका पॉजिटिव आया है, तो ये कैसा हो गया आपका टेंसाइल। तो आपके पास देखिए यहाँ पे दो चीजें आ गई, एक तो एफ ए बी निकल के आ गया, एक आपका क्या निकल के आ गया आपका एफ ए ई। अब मैं इस वाले डी वाले पॉइंट को ले लेता हूँ या डी वाले नोड को ले लेता हूँ, जिससे कि क्या होगा मेरे एफ सी डी और एफ ई डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से रख लेता हूँ जिससे आपको भी दिखे। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे नोड डी की, तो नोड डी की बात करूँ तो इसके लिए डायग्राम बना लेता हूँ फटाफट से, थोड़ा साइड में बना लेता हूँ। सॉरी ये क्या है आपका एफ डी, मैंने बताया आउटपुट डायरेक्शन लेनी है, ये क्या है मेरा एफ सी डी, और ऊपर क्या लगा है आपका 3.5 किलो न्यूटन। तो और इसके बीच का एंगल आपको दे 60 डिग्री है। तो आपको मैंने बताया था इसके लिए फिर क्या करना है भाई, सेम पहले की तरह एक्सेस बनानी है, ऊपर की तरह आपको इतना लगा 3.5, इधर कितना लगा है आपका एफ डी ई, इधर क्या लगा है आपका एफ सी डी दैट इज 60, इसके कंपोनेंट निकाल लेंगे, इधर क्या आएगा आपका एफ सी डी कॉस 60, इधर क्या आएगा आपका एफ सी डी साइन 60। तो इस बार मैं आइडेंटिफाई करते चलूंगा, तो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ समेशन एफ बाई इज इक्वल जीरो, तो समेशन एफ बाई इज इक्वल जीरो होगा तो क्या होगा आपका एफ सी डी साइन 60 प्लस के 3.5 इज इक्वल जीरो, तो एफ सी डी इज इक्वल माइनस के 3.5 ओवर साइन 60 डिग्री। तो देख लीजिए 3.5 डिवाइडेड बाई साइन 60 कितना आ गया 4.04, तो माइनस के 4.04 किलो न्यूटन, तो माइनस का साइन हटाऊंगा तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कंप्रेसिव को। इसके बाद आपका समेशन एफ एक्स इज इक्वल जीरो कितना आएगा आपका, समेशन एफ एक्स इज इक्वल जीरो एफ डी ई प्लस के एफ सी डी कॉस 60 डिग्री इज इक्वल जीरो, तो एफ डी ई माइनस के एफ सी डी कॉस 60 डिग्री, तो आपको यहाँ पे एफ सी डी की वैल्यू रख देनी है, तो एफ डी ई इज इक्वल माइनस के, माइनस पहले से ही है तो माइनस के 4.04 cos 60 डिग्री। तो देख लीजिए क्या आएगा आपका निकल के, मल्टीप्लाई cos 60 कितना है 2.02, तो एफ डी इज इक्वल 2.02 किलो न्यूटन। तो यहाँ से आपकी एफ डी की वैल्यू भी आ गई और आपकी एफ सी डी की भी वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ पे आपके देख लेते हैं आपकी कौन कौन सी चीज़ें अननोन बची हैं। यहाँ पे देखिए आपका ये भी आ गया और ये भी आ गया, अब आपके कितने एक दो तीन कंपोनेंट बचे हैं। तो अगर मैं बी पॉइंट को लेता हूँ तो दो अननोन दिखेंगे, सी पॉइंट को लेता हूँ तो अभी दो अननोन दिखेंगे। तो मैं कोई सा भी नोड ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सबसे पहले बी नोड की। तो आपके सामने मैं कौन सा नोड ले रहा हूँ, आपके सामने बी नोड ले लेता हूँ। तो देखिए नोड बी की बात करूंगा तो आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, एक फोर्स इधर की तरफ जाते हुए जैसा एफ बी सी, एक फोर्स इधर की तरफ आते हुए, एक फोर्स इधर की तरफ आते हुए, एंगल इन बिटवीन 60 डिग्री, तो ये हो गया आपका एफ ए बी और ये हो गया आपका एफ बी। ठीक है गाइज,
अब इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक्स एक्सेस में और वाई एक्सेस में। तो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। तो ये हो गया मेरा एफ बी सी, ये आपको कुछ इस तरीके से जा रहा है और ये आपको कुछ इस तरीके से जा रहा है। दोनों के बीच का 60 है, दैट इज अ 30, दैट इज अ 30। मैंने मिड से लाइन खींची है, ये हो गया मेरा एफ ए बी, ये हो गया मेरा एफ बी ई। ठीक है गाइस, अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट आएगा एफ ए बी कॉस 60 डिग्री, इधर कितना आएगा आपका एफ ए बी एफ ए बी साइन 30 डिग्री। इसके बाद इसका भी इधर कंपोनेंट आएगा एफ बी ई, देखिए मैंने 60 लिख दिया, देर से गलती, 30 cos 30 डिग्री एफ बी साइन 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ए बी अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया, तो अपन लास्ट में इसकी वैल्यू लगा देंगे। तो आपके पास देखिए यहाँ पे कौन कौन अननोन है, इधर देखूंगा तो ए बी आपका दिखाई दे रहा है और बी सी दिखा बी ई दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे मेरा ए बी आइडेंटिफाई हो चुका है, ये अननोन है और ये अननोन है। तो देख लेते हैं गाइज फटाफट से कि समेशन एफ एक्स इज इक्वल जीरो, समेशन एफ एक्स इज इक्वल जीरो किया तो क्या है मेरा एफ BE साइन 30 डिग्री इसके एफ बी सी इज इक्वल एफ ए बी। तो एफ ए बी की मैं वैल्यू वैल्यू देख लेता हूँ फटाफट से कि एफ ए बी की वैल्यू कितनी थी मेरी, माइनस के 2.88। तो ये कितनी है मेरी, माइनस के 2.88 sin 30। जैसे मैंने बोला वैसे ही रखना है आपको, कोई भी चीज़ें चेंज नहीं करनी है। तो इसके बाद आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो, साइन 30 दैट्स अ 0.5 एफ बी ई प्लस के एफ बी सी, और ये कितना हो जाएगा आपको 1.55, तो मतलब माइनस के 1.44, दैट इज इक्वेशन नंबर ए मान लीजिए। इसके बाद समेशन एफ बाई इज इक्वल जीरो, समेशन एफ बाई इज इक्वल जीरो, देखिए क्या होगा कि आपको दो फोर्सेज दिखाई दे रहे हैं एफ ए बी और एफ बी ई कॉस 30। तो देखिए एफ ए बी कॉस 30 प्लस के एफ बी ई कॉस 30 डिग्री इज इक्वल जीरो, दैट्स अ cos 30 जीरो। तो एफ ए बी बताया था, मैं लिख लेता हूँ एफ बी ई कॉस 30 माइनस के एफ ए बी कॉस 30। तो आपको बताया गया यहाँ पे cos 30 to cos 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos 30 to cos 30 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद cos ए बी, अपन को एफ ए बी की वैल्यू पता है, तो यहाँ से निकलेगा आपका एफ बी ई, इसकी वैल्यू थी माइनस के 2.88, तो माइनस टू माइनस कैंसिल आउट, तो ये आया मेरा 2.88 किलो न्यूटन। तो कुछ इस तरीके से ये निकल के आया। तो अब गाइस देख लेते हैं मेरे पास कितनी चीज़ें आइडेंटिफाई हो गई, ये भी आइडेंटिफाई हो गई ये। अब मेरे पास सिर्फ एक कंपोनेंट बच रहा है ये वाला, तो मैं सी पॉइंट से रखूंगा तो मेरा ये नोन है, ये नोन है, और ये मेरे को आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपकी पूरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद आपको सिर्फ ये करना है कि आपको सी नॉट को कंसिडर करना है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ टेक्निकल क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिएगा चैनल और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आपके सामने भी एंड स्क्रीन आएगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।